फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग। और आज अपने ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं लच्छा कटोरी। तो ये लच्छा कटोरी की जो है बहुत ही फेमस रेसिपी है आजकल, तो ये हम अपने तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक आलुओं को जो है आधी किलो आलुओं को ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। ये देखें, हमें इस तरह से लंबे लंबे इसके लच्छे लेने हैं और इनको हम पानी में हल्दी डाल के आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने खड़े मसाले और इनका बनाएंगे पाउडर। तो यहाँ पे धनिया और साबुत मिर्चें, लौंग और ज़ीरा जो है हमने साबुत धनिया यहाँ पे लिया है, और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। ये बनाएंगे, इनसे बनाएंगे हम छोले। तो यहाँ पे हमने अमचूर पाउडर भी लिया है इनके अंदर 1 चम्मच, और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच पैन में तेल, और उसके बाद हम 2 चम्मच डाल देंगे अपने ये खड़े मसाले जो हमने अभी मिक्सर में पीसे हैं ड्राई रोस्ट करके, और इनके अंदर डाल देंगे हम अपने बॉईल हुए हुए छोले। तो एक आलू बॉईल कर लिया था हमने और छोले बॉईल कर लिए थे, इनको इस तरह से हमें मैश कर लेना है। और ये देखें कितने टेस्टी और बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो गए। यहाँ पर हमने आलू को बॉईल कर लिया था और बॉईल करके हमने इनको फ्राई कर लिया यहाँ पे चाट के लिए, लच्छा कटोरी के लिए। यहाँ पे आधे घंटे के बाद हमने अपने आलू निकाले लच्छा कटोरी के, और उसके अंदर डाला है 2 चम्मच अरारोट पाउडर। अगर आपके पास अरारोट पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी आपकी लच्छा कटोरी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने लिए एक छलनी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, अगर आप कोई भी छलनी लेते हो छोटी या बड़ी, उससे छोटे साइज़ की आपको ज़रूर लेनी है इसको शेप देने के लिए। तो आपको 2 छलनी लेनी है, और एक ये इस साइज़ की और एक इससे छोटे साइज़ की। अगर आप इससे बड़े साइज़ की लेते हो तो फिर आप उससे छोटे साइज़ की लें। और यहाँ पे देखिए, इनको यहाँ पे हमें छलनी में रख के आलूओं को शेप दे देना है इस तरह से थोड़े थोड़े करके। और ये देखें, हमने दूसरी छलनी जो ली है इसके ऊपर से इस तरह से रखना है आपको, और इसका बहुत ही अच्छा प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको। और इसका जो शेप आ गया है तो हमने वो छलनी हटा दी है, और इसके ऊपर से ऑयल डाल के हम इसको पकाएंगे। नीचे से तो ये पकी रहा है, इसके ऊपर से भी पकाएंगे, इस तरह से पलट के भी पकाएंगे। ये देखें आप, और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये बिना ठंडे हुई इसके अंदर से नहीं निकालेगी। आप निकालने की कोशिश भी ना करें वरना ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, हमारी जब ये निकल गई है उसके अंदर से, तो हमने इसको डीप फ्राई कर लिया। और अभी लिए हमने बड़ी छलनी, तो बड़ी छलनी के अंदर भी हमने अपनी लच्छा कटोरी ट्राई की है और हमारी वो भी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। तो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुकून से ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंस्टेंट बड़े बनाए, अगर इनकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिए भुजिया, ये लिए हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और ज़ीरा लिया है हमने भुना हुआ, इसको पीस लिया है। यहाँ पर हरी चटनी, लाल चटनी, इमली वाली, अगर इन सबकी आपको रेसिपी चाहिए तो हमें बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर देंगे। तो लाल चटनी, इमली और गुड़ की हमने बनाई है। और ये देखें, हमारी ये जो छोले थे, चने बनकर रेडी हो गए, चना चाट, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी तीखी सी। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पे हमने लिया है दही, दही में हमने चीनी डाल के इसको मीठा दही कर लिया है। यहाँ पे हमने एक छोटे साइज़ की बनाई है आपको दिखाने के लिए, और एक हमने दो हमने बाकी की बनाई है हमने बड़े साइज़ की। तो ये देखिए, हमारी 2 बड़े साइज़ की, एक हमारी छोटे साइज़ की। अब इनको हम कर लेंगे फिल। यहाँ पे 1 चम्मच छोले डाले, 2 आलू डाले, 2 आलू के टुकड़े, और एक डाला हमने बड़ा। तो बड़ा डालने के बाद इसके ऊपर डाला है हमने 1 चम्मच दही, उसके बाद हरी चटनी, उसके बाद लाल चटनी, उसके बाद डालेंगे हम भुना हुआ ज़ीरा इसके ऊपर से, और ये डालेंगे हम हरा धनिया, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च 2 या 3, वो आप अपने हिसाब से रखिएगा, उसके बाद डालेंगे भुजिया, और उसके बाद डालेंगे हम दही वापस से। आपके पास अगर अनार वगैरह अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर केले हो तो वो भी डाल सकते हैं, अंगूर हो वो भी डाल सकते हैं, आपके पास जो जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम दूसरी वाली भी अपनी लच्छा कटोरी जो है रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, हमने दूसरी वाली भी अपनी फिल कर ली है, और बाकी की लच्छा कटोरी भी हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। और ये देखें, आप खाने में भी आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रंची सी हैं, यमी हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं, और हमने ये झटपट से रेडी कर लिए हैं। और अगर आपको हमारी ये लच्छा कटोरी की फेमस और हमारे अपने तरीके से बनाई हुई झटपट से रेडी की हुई लच्छा कटोरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग को लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को शेयर करें,
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की व्लॉग में इतना ही, अल्लाह हाफिज़। हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देते रहेंगे, बस आप हमारे जो है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करते रहें।